हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बजाज डोमिनार 400 और बजाज डोमिनार 250 में क्या क्या डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल में आपको बाइक रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, ये है आपकी बजाज डोमिनार 250। शुरुआत करते हैं इसकी प्राइस से। तो इसकी प्राइस आपको पड़ती है एक शोरूम दिल्ली में 1,60,000 के आसपास। और अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इसके पावर में। अगर इसके पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 27 BHP का पावर आपको मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें 248.7 CG का डिस्प्लेसमेंट मिलता है। टॉर्क की बात करें तो 23.5 Nm का टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसमें आपको मिलता है लोअर डिस्प्लेसमेंट का इंजन, जिसमें आपको यूज़ होता है ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी। बजाज का जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है DTSI, उसमें ट्विन स्पार्क टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होता है। और अगर इसमें डिफरेंस की बात करें और दूसरे डिफरेंस क्या क्या हैं, तो जो डोमिनार 250 है इसमें आपको मशीन फिनिश अलॉय व्हील आपको नहीं मिलेंगे। बजाज डोमिनार 250 में आपको मिलता है 37 mm का USD Fox। और अगर फ्रंट ब्रेक के डिस्क साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 300 mm का डिस्क साइज़। अगर टायर की बात करें तो टायर में भी आपको डिफरेंस मिलता है। फ्रंट टायर की साइज़ आपको मिलती है 180/17 inch के ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं फ्रंट में। और रियर टायर्स आपको मिलता है 130/70 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिलता है बजाज डोमिनार 250 में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज मिलता है इसके पावर और डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क में। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। दोनों में आपको BS6 इंजन मिलता है। और जो छोटे डिफरेंसेस है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 30,000 रुपये कम है बजाज डोमिनार 400 से। ये प्राइस और इंजन का पावर, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। तो चलिए जानते हैं कि डोमिनार 400 में क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं एग्जॉस्ट साउंड डोमिनार 250 का कैसा है, कुछ चेंज है क्या 400 से। तो आइए जानते हैं डोमिनार 400 का एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। तो दोस्तों, ये है आपकी बजाज डोमिनार 400। अगर इसके पावर की बात करें तो पावर यहाँ पे आपको मिलता है 40 PS का पावर आपको मिलता है। टॉर्क की बात करें तो 35 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें 373.6 CC का डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। और लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके प्राइस में। इसका प्राइस 30,000 रुपये ज़्यादा है डोमिनार 250 से। और यहाँ पे बजाज इस्तेमाल करता है 3 Spark टेक्नोलॉजी, जो कि बजाज का जो RS है, पल्सर सीरीज़ का जो RS है, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है 3 Spark टेक्नोलॉजी, वो यूज़ होता है बजाज डोमिनार 400 में। सेम इंजन उसका जो है इसमें यूज़ होता है। ये सबसे बेस्ट टूरिंग बाइक है अगर आपका कम बजट है। और अगर आपका बजट कम है तो आप 250 CC ले सकते हैं। अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास का है तो आप इसको लेने के बारे में सोच सकते हैं। इसमें अगर अदर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको मशीन फिनिश अलॉय व्हील्स आप मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रंट से, फ्रंट में आपको डायमंड कट के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। और इसमें आपको मिलता है 43 mm का USD Fox, जो कि जो डोमिनार 250 से लगभग 6 mm का ज़्यादा है उसका डिफरेंस। और फ्रंट ब्रेक साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 320 mm का डिस्क ब्रेक। और टायर का साइज़ भी यहाँ पे थोड़ा अलग मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है रेडियल टायर। अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है फ्रंट में। और रियर टायर्स की बात करें तो 150/60 का 17 इंच का आपको मिलता है रियर में ट्यूबलेस टायर। बाकी इसका जो फ्रेम है, सस्पेंशन है, सब कुछ बिल्कुल सेम है डोमिनार 250 के समान। तो दोस्तों, ये रहा मेजर डिफरेंस गाड़ी में। सबसे बड़ा डिफरेंस है इसके प्राइस का, पावर और टॉर्क का। तो फ्रेंड्स, ये रहा
एक छोटा सा वीडियो, दोनों में चेंजेस क्या क्या हैं मैंने पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप ये दोनों गाड़ियों का एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं कि दोनों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन सब चीज़ों के अलावा, तो आप मेरा यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, आई वाले बटन में वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने डोमिनार 250, डोमिनार 400 दोनों का डिटेल्ड रिव्यू किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल में आपको बाइक रिलेटेड वीडियोस हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।